रीट की परीक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पूरे जाब्ते के साथ किया शहर का निरीक्षण। बाड़मेर। रीट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, एएसपी नरपत सिंह जेतावत, डिप्टी आनंद सिंह राजपुरोहित, शहर कोतवाल उगमराज सोनी, सदर एसएचओ अनिल कुमार सहित पुलिस के अधिकारियों ने रीट परीक्षा को देखते हुए शहर का निरीक्षण किया। जगह जगह देखी व्यवस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाओं देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, जिले भर में होगी शांतिपूर्ण रीट की परीक्षा। को लेकर अभी सिटी राउंड किया, आप और कलेक्टर साहब साथ में थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी है और क्या तैयारी? देखिए, अभी सातवें राउंड किया है हमने, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन देखा, प्रशासन द्वारा जो हेल्प डेस्क है उसे देखा, जो अस्थाई बस स्टैंड बनाए उन्हें देखा, जो रुकने की व्यवस्था की गई है उन्हें देखा, सिटी में जो जनरल क्राउड है उसको देखा, कुछ कैंडिडेट से इंटरेक्ट किया और इंदिरा रसोई वगैरह को देखा। तो सभी जगह व्यवस्थाएं ठीक है, क्राउड भी कंट्रोल में है, आ रहे हैं उनको रुकने की जगह भी मिल रही है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था ठीक है। तो अभी स्मूथ है और उम्मीद करते हैं कि सुबह तक भी क्राउड जो है वो हमारे कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। सर, जिला बाड़मेर जिला है वो संवेदनशील घोषित है और इस परीक्षा को देखिए, डेफिनेटली इस गिरोह के बाद हम और ज़्यादा अलर्ट हैं, लगातार हमारे पास सूचनाएँ आ रही है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, और मुझे लगता है इन सब कार्रवाइयों से डिटरेंस होगा और कल हम यहाँ फ्री फेयर परीक्षा स्मूथली कंडक्ट करा सकते हैं।